मेरा नाम प्रीति पांडे है, मेरे पति का नाम राजकुमार पांडे है। हम लोग घरौंदा हाइट्स शिवलोक फेज 3 पिपलानी खजूरी कला भोपाल में रहते हैं। मेरे पति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय में आईटी एक्सपर्ट हैं। एनएचएम की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में वो भाग लेने गए थे, जहाँ से वो कोरोना इन्फेक्ट हो गए। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, और जैसे वो एम्स हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट हो गए। 2 दिन से वो वहाँ पे एडमिट है, लेकिन कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा है। आइसोलेशन के नाम पे उन्हें सिर्फ 2 दवाइयाँ मिली हैं, सिट्रिजिन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल भी इसलिए कि बुखार आया तो बोला कि आप खा लेना। उन्हें ना विटामिन सी की खुराक मिल रही है, ना ही कोई गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और खाना भी वहाँ का बहुत बुरा है। इन सबसे परेशान होके 2 दिन से वो परेशान हैं। उन्होंने खुद ही सबसे रिक्वेस्ट किया अपने अधिकारियों से कि उन्हें वहाँ से निकाल के चिरायों में शिफ्ट कर दे, लेकिन वो लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। वो लोग सिर्फ अब ऊँची पोस्ट पे लगे हुए जो है उनकी उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, छोटे पोस्ट के लोगों पे ध्यान भी नहीं दे रहे। और उनकी हद देखिए। मैं 3 दिन से अपने 3 साल के बेटे के साथ में इस घर में बंद हूँ, लेकिन अब तक एनएचएम की तरफ से कोई भी हमारा सैंपल लेने के लिए नहीं आया है। मेरे पति की जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आने के बाद में कंटिन्यूस मीडिया सोशल मीडिया में उनकी न्यूज़ आ रही है, लेकिन इतना देखने के बाद भी उनकी लापरवाही देखिए। अभी तक विभाग की तरफ से मेरे आसपास के इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपना ये वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरा वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, ताकि मुझे और मेरे परिवार को, मेरे पति को सही उपचार मिल सके कोरोना से, मेरे आसपास के इलाके में सही बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद।